हाय फ्रेंड्स, लर्न विद फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पहली इकाई, आठवीं कक्षा, हिंदी सुलभ भारती, पाठ क्रमांक छठा, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस पाठ में पृष्ठ क्रमांक 14 से लेकर 15 तक जो भी प्रश्न आए, जो भी सवाल आए, उन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले। चलो तो शुरू करते हैं इस पाठ में आए सभी सवालों के जवाब। पृष्ठ क्रमांक 14 पे हमें कल्पना पल्लवन दिया गया है। वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। आपको वाणी की मधुरता पर अपने विचार लिखने। इसी से संदर्भ में मैंने दो पिक्चर यहाँ पर दिए। एक पिक्चर है कौवे का, दूसरा है कोयल का। कोयल भी काली है, कौवा भी काला है, लेकिन इन दोनों में से कोयल सबसे प्यारी है। सबको वो अच्छी लगती है, उसकी आवाज अच्छी लगती है। कल्पना पल्लवन। वाणी की मधुरता सामने वाले का दिल जीत लेती है। ऐसी मीठी बोली बोलनी चाहिए कि जिससे आपका मन तो प्रसन्न हुई, सामने वाले का भी मन प्रसन्न हो जाए। कटु वचन बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता, सब उससे दूर ही भागते। मीठी वाणी बोलने से सदैव अपने दिल को एक सुकून मिलता है और अपनी मीठी वाणी का असर सामने वाले पर भी सकारात्मक पड़ता है। सूचनानुसार कृतियां करो। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। किन बातों को सीख लेने को कहा है कवि ने? प्यार से बोलना, वक्त पर जुबा खोलना, बोलने से पहले विचार करना, वाणी में शहद घोलना। इन बातों को कवि ने सीख लेने को कहा है। दो नंबर का प्रश्न दिया गया है, उत्तर लिखो। उसमें एक नंबर है काटे बोने वाले कटु वचन। उसका जवाब पृष्ठ क्रमांक 14 पे यहाँ पे आया है, काटे बोने वाले कटु वचन। दो नंबर दिया गया है चुभने वाली बात बेबात या बातें। इसका जवाब यहाँ पे आया है। तीन नंबर दिया गया है फटने वाले पटाखे या इसका जवाब यहाँ पे आया है। हमें तीन नंबर का प्रश्न दिया गया है, चुप रहने के चार फायदे लिखो। चुप रहने से हमारी ऊर्जा बचत होती है। हमारा मन शांत रहता है। चुप रहने से हम लड़ाई झगड़े से बचते हैं। और चुप रहने से किसी को हमारी बातें बुरी नहीं लगती, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा चुप रहना चाहिए। इसी प्रश्न के आगे हमें चार नंबर का प्रश्न दिया गया है, कविता की अंतिम चार पंक्तियों का अर्थ लिखो। कविता में ये चार पंक्तियां यहाँ पर आई है, इन चार पंक्तियों का अर्थ आपको लिखना है। तो इसका जवाब, कवि कह रहे हैं कि बिना किसी वजह से बात बेबात यदि कोई तकलीफ देने की कोशिश करे तो इंसान को उस बात को मोड़ना सीख लेना चाहिए। हमें तकलीफ देने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना सीख लेना चाहिए। ये इन चार पंक्तियों का अर्थ है। वीडियो आवडला असेल तर लाईक या बटणावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्र मैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राइब करा व नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा। हमें पांच नंबर का प्रश्न दिया गया है, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। कविता में
ये अर्थ दिया गया है यहाँ पर, मधु, कड़वे, विचार, आवश्यकता, ये सभी अर्थ दिया गया है। इसी अर्थ के शब्द कविता में आए हैं, वो आपको ढूंढने। एक नंबर दिया गया है मधु, मधु शहद, कड़वे कटु, विचार ख्याल, आवश्यकता जरूरत। इसी के ही आगे हमें भाषा बिंदु दिया गया है। उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। आपको जो भी उपसर्ग लगे हैं या प्रत्यय लगे हैं उनको अलग करना है, और जो मूल शब्द है वो शब्द आपको लिखने। तो यहाँ पर उपसर्ग भारतीय, प्रत्यय लगा है भारतीय, ईय लगा है तो मूल शब्द है भारत। उसी तरह आस्थावान, वान ये प्रत्यय, मूल शब्द आस्था, व्यक्तित्व त्व, व्यक्ति, स्नेहिल इल, स्नेह, बेबात प्रत्यय लगा है बे, मूल शब्द है बात। इसी तरह निरादर प्रत्यय निर, मूल शब्द आदर, प्रत्येक प्रत्यय प्रति, और मूल शब्द है एक। उपसर्ग है सुयोग, और प्रत्यय है सु, और मूल शब्द है योग। इसी के आगे हमें उपयोजित लेखन लिखने के लिए कहा गया है। यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखो। आपको यातायात की समस्याएं एवं उपाय इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। अगर कोई भी निबंध हो तो कम से कम 10-15 लाइन तो होती है। मैं यहाँ पर यातायात की समस्याओं पर निबंध दे रहा हूँ, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो पॉज करके ये निबंध आपको लिखना है। मैंने समझा मैंने इस पाठ में से समझा, हमें मृदुभाषी होना चाहिए, हमें ऐसे गुणों को अपनाना चाहिए जिससे हमें सभी प्रेम करें, हमारी बातों से किसी का हृदय दुखी ना हो, हमें शांत भी नहीं रहना चाहिए, और हमें जरूरत से अधिक भी नहीं बोलना चाहिए, हमें आवश्यकता के अनुसार आक्रोश प्रकट करना चाहिए ना कि बेवजह। इसी पृष्ठ पे हमें लास्ट में स्वयं अध्ययन दिया गया है। हिंदी साप्ताहिक पत्रिकाएं समाचार पत्रों से प्रेरक कथाओं का संकलन करो। आपको हिंदी साप्ताहिक पत्रिकाएं या समाचार पत्र उसी से प्रेरक कथाओं का संकलन करना है, जो प्रेरक कथा होती है उनको आपको एकत्रित करना है। तो यहाँ पर मैं एक प्रेरक कथा दे रहा हूँ, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो पॉज करके ये कथा पढ़नी है और बाद में इसको आपको लिखना है। कथा तो 2-4 लाइनों में तो नहीं दी जा सकती, इसलिए कथा थोड़ी बड़ी है। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली स्वाध्याय में, तब तक बाय, टेक केयर। चैनल ला सब्सक्राइब केला नसेल तर सब्सक्राइब या बटनावर क्लिक करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये, तोपर्यंत बाय।